तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लिगेंड के बारे में डिस्कस किए थे, वहां पे एक टेबल नोट किए थे ना, तो उस टेबल में क्या क्या था भाई, लिगेंड का नेम था, फॉर्मूला, चार्ज एंड डेंसिटी ऑफ लोन पेयर, मतलब कौन सा लिगेंड कितना लोन पेयर देगा। उसमें से कुछ नेम वाले लिगेंड थे जैसे एडीटी है, डीएनजी, जीएलवाई, ग्लाइसिनेटो, ये सब। तो उनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एडीटी है, वन मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए। क्या नाम था भाई एडीटीए का, इथिलीन, इथिलीन डाई अमीन, इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटेट। इथिलीन मतलब कौन सा ग्रुप होगा, दो कार्बन का, सी एच। डायमीन मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन होगा फंक्शनल ग्रुप। टेट्रा एसिटेट, एसिटेट मतलब कौन सा ग्रुप होगा भाई, सी एच टू सी डबल ओ एच। हाँ ऋषिकेश वेटिंग में, देख लेते हैं। सर डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पे, वैलेंसी कंप्लीट करें, CH2 CH2। तो देखो यहाँ पे हेक्सा डेंटेट क्यों बोलते हैं, तो सभी ऑक्सीजन ये एच यहाँ से, तो -1 -1 -1 -1, ये पूरे ऑक्सीजन यहाँ पे डोनर एटम है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर दे सकता है, ये ऑप्शन भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी। अब दो और कहां से मिलेंगे बताओ, अभी तो हेक्साडेंटेट नहीं हो, नाइट्रोजन से, वेरी गुड, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो यहाँ पे डोनर आइटम कौन कौन से है, डोनर आइटम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। चार्ज कितना है इसमें पूरा, -4, ठीक है। एडीटीए पे कितना चार्ज होता है, -4। लोन पेयर तो कल ही पता चल गया, लोन पेयर कितना है, डेंसिटी ऑफ लोन पेयर, सिक्स। तो ये एडीटीए नोट कर लो भाई, नोट करते जाना। अच्छा ग्लाइसिन का फॉर्मूला बता सकते हैं भाई वाले, पढ़े हो कि नहीं पढ़े अभी अमीनो एसिड, NH2CH2CHH, ये ग्लाइसिन होता है उसी से बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, तो ये ग्लाइसिनेट हो गया। तो नोट कर लेना डोनर एटम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, चार्ज -1, लोन पेयर दो जगह से मिल रहा है इसमें 2। नोट करते जाओ सर। ग्लाइसिनेटो ऑक्सीडेटो भी था और ऑक्सलेटो में क्या है देख लो, CHCOH ऑक्सैलिक एसिड है, यहां से ये दोनों ऑक्सीजन,
डोनर एटम होते हैं, इनके ऊपर क्या है माइनस चार्ज, इसलिए यहाँ पे डोनर एटम की बात किया जाए तो क्या होगा ऑक्सीजन चार्ज दिख रहा भाई O माइनस टू माइनस चार्ज लोन पेयर डेंसिटी टू, नोट करते जाओ इसे पूरा। तो ए एडीटी, बी ग्लाइसिन और थर्ड सी ऑक्सैलेट। तो जितने डोनर एटम हैं और हर एक डोनर एटम एक लोन पेयर यहाँ पे दे रहा है, तो डेंसिटी ऑफ लोन पेयर कितना जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ डोनर एटम 2 है तो डेंसिटी ऑफ लोन पेयर 2, यहाँ डोनर एटम 2 है वो भी ऑक्सीजन है तो लोन पेयर कितना जाएगा 2। नोट कर लिए साइड वालों? यस सर। चलो और दूसरे साइड देख लो। फर्स्ट है मतलब थर्ड फोर्थ नंबर में इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन में तो यहाँ पे लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर तो वो डोनेट करेगा। इथिलीन मतलब दो कार्बन का ग्रुप होगा CH2 CH2 और उसी पे NH2 डायमीन बोला है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा भाई बताओ? 0 न्यूट्रल एगेंड है ठीक है ना। डोनर एटम नाइट्रोजन, उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर 2। पायरिडीन, पायरिडीन का तो फॉर्मूला जहां तक आपको याद ही होगा बेंजीन पायरिडीन ठीक है, इसलिए इनका नाम यूज होता है भाई। इतना बड़ा फॉर्मूला नोट करने से अच्छा ईएल लिख देते हैं लोग। तो ये है पायरिडीन, ये भी डिटेल लिखेंगे लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये है डोनर एटम। तो डोनर एटम नाइट्रोजन लोन पेयर 1 चार्ज 0 न्यूट्रल एगेंड है। बाई पायरिडीन, एक साथ दो पायरिडीन का रिंग आपस में कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, तो ये भी कैसा लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड कल के लिस्ट में देखोगे तो न्यूट्रल लिगेंड के लिस्ट में दिखेगा। तो डोनर एटम यहाँ पे भी है नाइट्रोजन, माइक नोट करके रखोगे, चार्ज कितने चार्ज हैं 0 लोन पे, दोनों नाइट्रोजन एकक एकक इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन रखे हैं दोनों एकक देखिए मतलब 2। नोट करो जल्दी इसमें, जी वाला भी नोट कर लेना फिनेंथ्रोलिन। तो एच नंबर में डाई आई में ट्राई, तो इसका नेम है अगर कंप्लीट नेम देखोगे तो डाइन का यहाँ पे डाई इथिलीन ट्राई अमीन, मतलब अमीन ग्रुप कितने होंगे 1, 2, 3 डाइथिलीन ट्राइअमीन, तो 2 इथिलीन होंगे डाइथिलीन ट्राइअमीन। डाइथिलीन ट्राइअमीन यहाँ पे इसका नाम देखोगे नीचे लिखा इसमें है ट्राइथिलीन टेट्रा अमीन। तो लोन पेयर कितने यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर तो इसका नाम क्या मतलब इसका बाद में नोट कर लेंगे इसको। यहाँ पे भी डोनर एटम कौन कौन से भाई 1, 2, 3, 4 सब में नाइट्रोजन डोनर एटम,
इथिलीन 1 2 3 तो ट्राइथिलीन टेट्रा अमीन और सभी नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर तो यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन तो चार्ज पता ही है आपको भी इस पे जीरो लोन पेयर थ्री ठीक है ना डोनर एटम नाइट्रोजन चार्ज जीरो लोन पेयर फोर डोनर एटम नाइट्रोजन नोट कर लो ये था कुछ लिगेंड्स और उनका स्ट्रक्चर तो स्कूल के एग्जाम में मतलब बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है कुछ लिगेंड के नाम बताओ स्ट्रक्चर मतलब बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल तो ये सब याद रखोगे तो नेक्स्ट ये सब चीजें यहाँ तक थी याद रखने वाली अब समझने का पार्ट स्टार्ट होता है और उनसे एग्जाम के JEE नीट के आपके एमएससी सिटी में इस आपके क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है ना मैं रब कर रहा हूँ पूरा तो हेडिंग नोट करो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डी ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा फिर सबको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं और इस साल तो नीट में क्वेश्चन भी था ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम तो दो बातें नोट करना सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या समझते हैं हम लोग दो बातें नोट करो द चार्ज ऑन सेंट्रल एटम द चार्ज ऑन सेंट्रल एटम the charge on central atom which is formed by the removal of all ligands All ligands. So, अगर सभी ligands, removal of ligand या फिर in the presence of ligand भी ले सकते हो मतलब जैसे ligand को निकालेंगे तो इसपे एक specific charge बनेगा या ligand के साथ add होता है तो भी So, the charge on central atom which is formed by the removal of all ligands from coordination sphere The charge on central atom which is formed by the removal of all ligand from coordination sphere is called oxidation state of central atom. तो चलो definition को अच्छे से समझ लेते हैं example के through. इसके लिए लिगेंड पे चार्ज आपको मालूम होना चाहिए तो फर्स्ट एफी सीओ सिक्स प्लस टू ये इस टाइप के क्वेश्चन आप जहां तक रेडॉक्स रिएक्शन में किए हो इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है तो क्या करोगे इस पूरे मॉलिक्यूल्स को तोड़ोगे तो तोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई एफी प्लस सीओ कितने टाइम्स सीओ मिलेगा सिक्स टाइम्स सीओ ठीक है चार्ज कितना है प्लस टू तो इक्वल के स्टेट तो एफी का ऑक्सीडेशन सीओ का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज कितना है भाई
थियो में कितना चार्ज है? जीरो जीरो प्लस टू, तो सॉल्व करो तो क्या आएगा भाई बताओ? यहाँ पे प्लस थ्री, यहाँ प्लस, चलो ठीक है प्लस टू रहेंगे, तो कितना आएगा? जीरो एसी प्लस टू, एसी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? प्लस टू। तो सभी लिगेंड को जब रिमूव करोगे तो यहाँ पे एसी पे जो चार्ज बनेगा मतलब सेंट्रल एटम पे, वही एसी का क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये वन मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछ लेता भाई, अगर के फोर ए सी सी एन सिक्स बोलता है तब तो यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड को ब्रेक करोगे तो क्या क्या मिलेगा बताओ? पोटेशियम मिलेगा, एसी मिलेगा एंड सी एन। तो पोटेशियम कितने टाइम? फोर टाइम, एसी वन टाइम, सी एन सिक्स टाइम। ऑक्सीडेशन एसी चाहिए तो, और कोई चार्ज यहाँ पे नहीं तो इसलिए जीरो। पोटेशियम के पास कितना होता है चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट? एस ब्लॉक ग्रुप वन का एलिमेंट है तो प्लस वन। एसी का एसी, सी एन का चार्ज करके क्लास में नोट कराया था, टेबल देख के बता सकते हो अगर याद नहीं है तो। माइनस वन। तो जब पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? फोर प्लस एफी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एफी माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब एफी इक्वल टू कितना आएगा? प्लस टू। अब ये कोई कंक्लूजन नहीं बोलेगा सर दो बार निकाले एफी का ऑक्सीडेशन प्लस टू आ रहा है, मतलब हमेशा प्लस टू रहता है क्या? ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं बनाएगा। क्लियर है सभी को? तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कि नहीं? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं फाइंड आउट कर पाए तो आगे फिर कुछ नहीं होने वाला टॉपिक में, ठीक है ना? यहाँ तक नॉमेनक्लेचर इसका पढ़ने वाले हैं वो भी टॉपिक नहीं क्लियर होगा, ईएन कैलकुलेट करने वाले हैं वो भी नहीं होगा, आगे स्ट्रक्चर देखने वाले वो भी सब बिना ऑक्सीडेशन के नहीं हो पाएगा करेक्ट। क्लियर है सभी को? तो करना क्या है बस तोड़ना। आप देखो कई बुक में इसके जगह पे एसी को बोलेगा, चलो एक्स मान लेते हैं, एसी को मान लेते हैं एक्स, तो भैया आपकी मर्जी, एक्स मान के सॉल्व करना है तो भी आंसर वही आएगा, या फिर काहे एक्स मानते हैं, एपी है तो एपी रहने दो, जिसका निकालना है आपकी मर्जी। तो कर लोगे ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर लोगे सब कोई? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई बोलो जल्दी? यस सर। चलो ठीक है जल्दी से इसको नोट करो, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपके रखने वाला। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंपाउंड है, उनपे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, अंडरलाइन कर दिए हैं सेंट्रल एटम के नीचे, जिनको नहीं पता सेंट्रल एटम क्या चीज है तो फाइंड आउट करो जल्दी से। आप अपने हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट और सीए के डेफिनेशन को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना? सिंपलेस्ट वे में इसलिए नोट करें ताकि याद रहे, क्योंकि जितने भी लिगेंड है ये सबको हटाओगे तो सेंट्रल एटम पे चार्ज लगता है, इसलिए उसको आप क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट और सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरह का चार्ज ही नहीं, जैसे पोटेशियम पे प्लस वन चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, कैल्शियम पे प्लस टू चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू। तो सेंट्रल एटम से लिगेंड बाहर निकालोगे तो भी चार्ज फॉर्म होगा या उससे ऐड होगा तो भी। सेकंड डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, द चार्ज ऑन सेंट्रल एटम विच इज फॉर्म द चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर विच इज फॉर्म बाय द लिगेंड, ये भी डेफिनेशन करेक्ट होगा। तो आप अपने मन से बना सकते हो डेफिनेशन। फर्स्ट में आंसर कितना आएगा? प्लस थ्री, एसी है प्लस थ्री में। सेकंड में स्केडियम प्लस टू, टाइटेनियम प्लस टू, वेरी गुड, क्रोमियम प्लस टू, ईडीटीए सॉरी ईडीटीए बोलता एसी में माइनस फोर, उधर जाके प्लस फोर प्लस थ्री। इसमें कितना आएगा मैग्नीज में? ये माइनस वन में है इसका चार्ज,
ठीक है ना, तो माइनस वन एन एच थ्री जीरो चार्ज है, सी एन पे माइनस चार्ज होता है भाई, याद रखना। तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस टू माइनस थ्री उधर जाके प्लस थ्री प्लस टू, मैग्नेट का कितना आएगा प्लस टू, हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, तो आराम से सॉल्व कर लेना। एन टू माइनस वन जीरो माइनस वन, तो माइनस वन उधर जाके प्लस टू, कोबाल्ट प्लस टू। तो अपना आंसर चेक कर लेना भाई, इन्हीं में से यही आने वाले हैं। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, कोनो दिक्कत बोलो बबुआ लोग। सर MN का प्लस थ्री आएगा ना, प्लस थ्री, चलो देख लेते हैं बच्चा। सर प्लस टू आएगा, पक्का समझाए नहीं सर? सही है, ये माइनस टू और यहाँ पे माइनस वन माइनस वन, तो ये माइनस थ्री उधर जाके प्लस थ्री हो जाएगा और प्लस थ्री है तो सॉल्व होगा, तो प्लस टू आ जाएगा। और किसी को कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, कोई पूछना चाहता है भाई? ठीक है, फिर बाय सभी को।